AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मसूद अजहर को काली सूची में डालना दिखावटी चीज है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में पठानकोट, उरी या अन्य आतंकी हमलों का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर समझौता किया है और जानना चाहा कि इस विषय पर चीन के साथ क्या करार किया गया है। बाराबंकी में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में सिदौर और रामनगर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सभा में किसानों, नौजवानों और युवाओं से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार लाने की अपील की है। साथ ही हार्दिक ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन अब तो माँ गंगा ने भी कह दिया है कि ऐसा निकम्मा बेटा मुझे नहीं चाहिए। जब बालाकोट में हमला हुआ तो कुछ मीडिया और बहुत सारे बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए हमने मसूद अजहर को मार गिराया, और कल जब परसों उसको राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया तो उसका भी क्रेडिट लेने लग गए। पता ही नहीं चलता कि कहाँ किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस सुरक्षा की बात करते हैं, किस देश की बात करते हैं, किस किसानों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ही मुद्दों के साथ चल रही है और उसका एक ही मुद्दा है कि हिंदुस्तान को गुमराह कीजिए, हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कीजिए, चाहे कैसे भी हो हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम। बहराइच में पुलिस ने सक्रिय जहर खुरानी गिरोह के गैंग को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता अपने नाम की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग यात्रियों को अपनी गाड़ी में बैठा लेते थे और उसके बाद धोखे से उन्हें नशीले पदार्थ देकर बेहोश कर देते थे। उसके बाद जब यात्रियों को होश आता था तो ये गैंग उनके साथ मारपीट करके पीड़ितों के पास से पैसे और बाकी कीमती सामान लूट लेते थे। इस सराहनीय काम के लिए पुलिस अधीक्षक ने टीम को 10,000 रुपये इनाम दिए हैं। जनपद बहराइच, गोंडा, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 3-4 महीने से एक गिरोह सक्रिय था, जो कि बाहर से आने वाले लोगों को बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने के बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाता था सस्ते किराए पे, उनको नशीला पदार्थ चाय में या किसी और ड्रिंक में मिला के पिला देता था, उनको लूटता था, लूटने के बाद फेंक के चला जाता था। गाजीपुर के थाना नदगंज में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। वहीं इस दौरान दो शातिर बदमाश बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसकी मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से चोरी की 4 बाइक बरामद कर आगे की जाँच में जुटी हुई है। बुलंदशहर के पासू में पैथोलॉजी लैब में दो गुटों के बीच जमकर विवाद हो गया, जिसमें कुछ बदमाशों ने दो लोगों पर मारपीट कर उन पर जमकर फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। वे सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जालौन के थाना कैलिया में एक युवक की मौत से लोगों में हड़कंप मच गया। बता दिया, अज्ञात कारणों के चलते युवक ने खुद को मौत के घाट उतार लिया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी अब संभल कर भाषण देते हैं, मैं कहता हूं चौकीदार तो लोग कहते हैं चोर है। उन्होंने एक बार फिर यहां चौकीदार चोर है के नारे भी लगवाए। श्रावस्ती से गठबंधन प्रत्याशी ने जनसभा के दौरान खुले आम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल मंच पर मौजूद बसपा कोऑर्डिनेटर के पास असलाह देखने को मिला। बता दें, चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले ही सभी लाइसेंस धारकों का असलाह जमा करने के आदेश दिए जाते हैं, जिसके बावजूद भी इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वरुण गांधी सुल्तानपुर में गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपको किसी सोनू से डरने की जरूरत नहीं है, मैं संजय गांधी का लड़का हूं और इन जैसों से जूते के फीते खुलवाता हूं। रायबरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर की औलाद वाली टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा है कि आपसी बातचीत को कोट करना आचार संहिता में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भजन करने के लिए मंच पर जाता है क्या? अपने विरोधी को उखाड़ देने के लिए और उसे घेरने के लिए मंच पर जाता है।